तो दोस्तों आज हम लोग एक ऑनलाइन स्कैम की बात करेंगे जो कि ऑनलाइन अच्छे से चल रहा है। ये मेरे सामने एक जूता है जो है रेड टेप ब्रांड का, जिसकी आप प्राइसिंग देखेंगे, ये देखिए 6,799 रुपये। और ये मुझे लगता है कि रेड टेप की जो टीम होती है वो या तो भांग खाई रहती है या फिर गांजा पी के उसकी प्राइसिंग अपने जूतों की रहती है। इनके जितने भी जूते होते हैं वो 6,000, 7,000, 8,000, 5,000 के नीचे तो MRP वाइज कोई नहीं होता। और बिकता कितने में है? 1400 में, 1500 में, 1600 में, 2000 में इनके सारे जूते बिकते हैं। अगर आपको बेचना इसी प्राइस पे है तो इतना लंबा प्राइस क्यों रखते हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन है कस्टमर, जो कंज्यूमर है आजकल वो ऑनलाइन के फ्रॉड में इतना फंस चुका है, उसको लगता है कि 7,000 का जूता 1,500 में बिक रहा है। उसकी क्वालिटी वो नहीं देखता कि इस प्राइस में किसी और ब्रांड का इससे अच्छा जूता मिल रहा है या नहीं। और ये सिर्फ रेड टेप ब्रांड के ही साथ नहीं हो रहा है, सिर्फ जूतों के साथ ही नहीं हो रहा है, मल्टीपल कैटेगरी के साथ बहुत ज्यादा इसकी प्राइसिंग दिखाना और बहुत सस्ते पे बेचना, मतलब एक दिखाना चाहिए, उसमें दिखाना रहता है कि 85% ऑफ 60% ऑफ, उसके चक्कर में कंपनियां ऐसा कर रही हैं। और ये पूरी तरीके से एक स्कैम ही कहा जाएगा। और जिस जूते की मैं बात कर रहा हूँ आज, वो रेड टेप का है RS02025A, जिसके MRP मैंने बताया ही 6,799 है और ये फ्लिपकार्ट 1,700 में बिक रहा है। और पूरा वीडियो देखिएगा, आप ये जूते कभी नहीं परचेज करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें जो पॉजिटिव चीज है मैं वो बता देता हूँ, पॉजिटिव ज्यादा नहीं है तो जो है वही बता देता हूँ। सबसे पहले इसका लुक, लुक वाइज जूता जैसे मैंने बताया ही बहुत अच्छा है। इसका सेकेंड पार्ट, इसका इंसोल, इंसोल के मामले में ये जूता अच्छा है, ठीक है। ये दो पार्ट हो गया। इसके अपर की, अपर जो इसमें मेश यूज किया गया है वो भी एवरेज है, मतलब एक हद तक वो भी अच्छा है। तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जूता लेने लायक नहीं है? जूते में जो सबसे मेन पार्ट होता है वो होता है इनका सोल, और ये सोल आप देखिए किसी भी एंगल से ये सोल अच्छा नहीं है। ईवा सोल है, ईवा सोल कैंपस भी देता है, एब्रॉस भी देते हैं, कोलंबस भी देते हैं, एशियन भी देते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग होती है वो 600, 700, 800, मतलब अंडर 1000। और इसकी MRP 6,799 है, बिक भी रहा है 1700 रुपए में। तो 1700 रुपए में ये आप सोल लेंगे जिसकी मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, आप कुछ दिन पहनेंगे 10 से 15 भी दिन तो ये यहाँ से दबेगा और एक निशान पड़ता चला जाएगा, यहाँ से भी पड़ेगा, यहाँ से मतलब चारों ओर से एक ऐसा निशान धारी धारीदार ऐसा पड़ता चला जाएगा, क्योंकि इसके ईवा की क्वालिटी बहुत ही डाउनग्रेड है। सेकेंड, इसकी फिनिशिंग, जूते में कोई फिनिशिंग नहीं है। ये आप देख रहे हैं जूते की, ये देखिए अपर से लग रहा है जैसे हम लोग नाइक की कॉपी बेचते हैं, उसमें भी इससे अच्छी पेस्टिंग और इससे अच्छी फिनिशिंग होती है। ये जूता मतलब नेचुरली ऐसा होना चाहिए ताकि ये इसका जो मेस है वो एक टाइटनेस हो। और ये पहले से ही एकदम डाउनग्रेड है, मतलब एकदम मुरझाया सा इसमें नेट यूज किया गया है। सबसे बड़ा मिस्टेक इनके बैक पोर्शन पे है, ये देखिए ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो कटिंग करना है ये भूल गए हैं। देखिए यहाँ से काटे ऐसे काटे, और ये कटिंग में कर्व होना चाहिए लेकिन वो फिनिशिंग यहाँ नहीं दिया गया। मुझे तो लग रहा है कि काफी माल इनका बन गया था और रिजेक्टेड पीस थे, वो ऑनलाइन इस तरह से ये निकाल रहे हैं। अब इसके इनसाइड के क्वालिटी को भी देख लेते हैं। इनसाइड के क्वालिटी के बारे में नेट बहुत ही हल्का दिया गया है, जिसके वजह से ये जूता बहुत ही ब्रीदेबल होगा। ब्रीदेबल होगा तो इस जूते को आप पहनेंगे काफी देर तक भी तो जो बदबू आती है वो इसमें गर्मी में नहीं आएगा, ये एक फायदा होगा इसके लो क्वालिटी में यूज करने का। इसके टंग के बारे में बात करते हैं, टंग की क्वालिटी भी बहुत ही डाउन दी गई है, ये देखिए कुछ है ही नहीं इसमें, और ये तो एकदम जालीदार मेस ही लग रहा है मुझको। इसके बैक सपोर्ट में भी बिल्कुल क्वालिटी नहीं दिया गया है। इस तरीके का अगर जूता कैंपस या फिर जो इंडियन जो भी फुटवेयर कंपनी है, मैं स्पेसिफिक किसी भी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी कंपनियां हैं उसकी प्राइस अगर ये जूता बनाती तो उसकी प्राइसिंग अंडर 1000 होता श्योरली। और अगर आप 1700 लगा रहे हैं तो इतने अच्छे ऑप्शन है, आप मेरे ही चैनल पर जाइए, एक एक से वीडियो मैंने बनाए हैं जो कि TPR सोल पे है। अभी मैंने एशियन का इनोवा 6 का रिव्यू किया है हाल ही में, उसको आप देखिए वो भी अंडर 1000 जूते में आ जाएगा, लगभग 1100 कुछ रुपए का है। अभी एक और एशियन का जूता है, उसके बाद कैंपस का मैंने फ्लो प्रो बना रिकॉर्ड किया उसको बताएंगे। ये सब जूते आपके मतलब 1500 के अंदर है, 1000 से लेके 1500 में इससे जबरदस्त क्वालिटी मिल जाएगा। क्यों ऑनलाइन के चक्कर में क्यों मतलब ऐसे मतलब ब्रांड के पीछे भागते हैं जो कि आपके पैसे को जस्टिफाई नहीं कर रहा है? 6-7 हजार के जूते आपके नाइकी एडिडास में आते हैं लेकिन उसके ईवा की क्वालिटी, उसके अपर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है।
और मैं रेड टेप की बुराई नहीं कर रहा हूँ, रेड टेप भी बहुत अच्छे अच्छे जूते बनाते हैं, इनके प्राइसिंग से मुझसे दिक्कत है। 6,000-7,000 क्यों प्राइस रख रहे हो? अगर वही जूता आपको बेचना है तो 2,000-2,500 प्राइस रखो, जेन्युइन तरीके से आप उसको सेल करिए ताकि कंज्यूमर बेवकूफ ना बने। ये तो सीधे सीधे कंज्यूमर को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। तो अभी तक मैंने इतनी बुराई कर दी है, लेकिन थोड़ी बुराई और बची है, तो चलिए अब इसकी हम लोग रियल टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्वालिटी है। तो चलिए रियल टेस्टिंग। तो दोस्तों ये जूता मैंने पहन लिया है, लुक वाइज देखिए तो लुक में तो थोड़ा बहुत ठीक भी लग रहा है, लेकिन इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही गंदी दी गई है। आप जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा पतला, यहाँ पे चौड़ा, और ये जूता मेरा 9 नंबर का पैर आता है, 9 नंबर का जूता है, लेकिन यहाँ पे जो गैपिंग है बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा ब्रॉड लुक दे रहा है। आगे देखिए जैसे ये पिचक गया है बीच में और आगे थोड़ा फैल गया है, और कहीं से भी मुझे इसमें फील नहीं हो रहा है कि मैंने एक ब्रांडेड जूता पहना है। इससे अच्छा जो फिनिशिंग आती है वो लोकल आगरा मेड शूज जो 400-500 में आते हैं, वो इससे अच्छा कंफर्ट अंदर दे देते हैं। जबकि इसमें जो इंसोल का यूज किया गया है वो भी मेमोरी फोम वाला इंसोल है, तो एक पकड़ एक अच्छी कंफर्ट आनी चाहिए, लेकिन वो कंफर्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इसका सोल मैंने बताया ना, 2 कौड़ी वाला जो सोल है उसके वजह से इसमें कोई भी कंफर्ट मुझे नहीं फील हो रहा है। चलिए इसकी ग्रिपिंग चेक करते हैं। तो ये देखिए ग्रिपिंग के नाम पे इसमें 0 है। बारिश वगैरह में इस जूते को पहनेंगे तो आप बहुत से ठोकर खाएंगे और हर जगह आप गिरते रहेंगे, बहुत ही स्लीपी है ये इसमें ग्रिपिंग के नाम पे 0 है। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इस जूते के फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं। एक कहावत है, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो रेड टेप के इस सूच के लिए ये परफेक्ट एग्जांपल है, क्योंकि पकवान जो है इनका बिल्कुल फीका है। जूता ना तो फिटिंग में आ रहा है, ना तो वो कंफर्ट मिल रहा है जूता पहनने के बाद। सोल की क्वालिटी भी बिल्कुल गंदी है, जो इसमें मिस यूज किया गया है उसकी फिनिशिंग आप यहां से देखिए, बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है, जैसे लग रहा है एकदम चुंगड़ा सा हुआ है, इसको प्रेस करने की जरूरत है। और इसकी एमआरपी 6,799 भले दिए हों, लेकिन बिक रहा है ये 1,700 रुपए में, और मुझे ऐसा फील होता है कि ये 700 रुपए लायक भी जूता नहीं है, क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है इस जूते में। तो मैं इस जूते को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, और ऐसे जालसाजी और डिस्काउंट के चक्कर में कंज्यूमर भी थोड़ा सावधान रहे। 1,700 रुपए आप लगा रहे हैं, 1,200 में इससे बेटर जूते आपको कोलंबस हो, कैंपस हो, एब्राउस हो, एशियन हो, जेक्यूआर हो, ऐसे इंडियन जो अच्छे ब्रांड है उस पर आप ले सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन में कि आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उस पर 1,700 लगाना अच्छी बात नहीं है, आपके जेब से वो पैसा काट के निकाल के ले जा रहे हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।